हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सराहा ऐप के बारे में। ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सराहा ऐप के बारे में ना पता हो। नहीं भी बताओ तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का आप एक देख लिए। इस वीडियो में मैं सराहा ऐप के बारे में बताऊँगा, और साथ साथ जो मेन जो टॉपिक है जिस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, वो ये है कि सराहा ऐप के बारे में ऐसी एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि ये एप्लीकेशन जो है आपके प्राइवेट डेटा को लीक कर रही है। तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा प्राइवेट डेटा आपका कहां पर क्यों और किस लिए अपलोड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सराहा ऐप है, ये दरअसल लॉन्च हुआ था मार्च 2017 में, और तब से लेकर अब तक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले मिस्र में, यानी इजिप्ट में और शायद सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन पॉपुलर होते होते अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इंडिया में भी उसके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, इसके प्ले स्टोर पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, कितना ज़्यादा इसे यूज़ किया जा रहा है इस एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये दरअसल करती क्या है, ये एप्लीकेशन किस काम आती है, तो इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसे बनाया गया था ऑनेस्टी को शो करने के लिए। मान लीजिए कोई इंसान है जो चाहता है अपनी ऑनेस्टी को शो करना चाहता है, जो अपनी एक सही बात किसी के सामने रखना चाहता है अपनी, लेकिन वो चाहता है कि उसकी पहचान वो गुप्त रखे, यानी जो उसकी जो एनोनिमस है वो एनोनिमस ही रहे, एनोनिमिसिटी अपनी मेंटेन रखे। उस आदमी को बात तो पता चल जाए, लेकिन आपके बारे में उसे कुछ पता ना चले। ये जो बात उसे मैसेज सेंड किया, उसे किसने किया और कहाँ से किया, किस तरीके से किया, यानी इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक मैसेज जो है एक सराहा यूज़र को सेंड कर सकते हैं। और जिस यूज़र को आप ये मैसेज सेंड करेंगे, उस यूज़र को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये मैसेज जो है आपने सेंड किया है या किसने सेंड किया है। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि ये जो मैसेज उसे मिला है, उस मैसेज को वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करे और उसे पूछता फिरे कि ये एप्लीकेशन, ये जो मैसेज है वो किसने सेंड किया, क्यों सेंड किया, कहाँ से सेंड किया। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्ड है सराहा, ये दरअसल एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है ऑनेस्टी। इसे बनाया भी ऑनेस्टी को शो करने के लिए गया था, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन को उल्टे सुलटे मैसेज सेंड करते हैं लोग, इस बारे में क्या कर सकते हैं, है ही है कुछ लोग ऐसे, तो इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये तो बात हो गई है सराहा ऐप के इंट्रोडक्शन के बारे में, ये क्या करता है, किस लिए इसे बनाया गया। तो इस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है वो उसे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर से अगर आप एक आईफोन या फिर आईओएस यूज़र हैं। तो इसे सिंपली अपने डिवाइस में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या एप्पल के फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, और उस पर अपनी सहारा आईडी बनाइए। सहारा आईडी आप अपने सहारा एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं, या फिर उस सहारा की वेबसाइट से भी बना सकते हैं। इस पर लॉगिन करने के बाद आपको एक सहारा की प्रोफाइल मिलेगी, जिसे आप जगह जगह शेयर करेंगे तो लोगों को आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, और उस प्रोफाइल पे लोग मैसेज सेंड करेंगे। जो लोग मैसेज सेंड करेंगे, वो आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि वो लोग कौन थे, क्या थे, किस लिए उन्होंने सेंड किया, कहाँ से सेंड किया, उस बारे में आप कुछ पता नहीं लग पाएगा, बस आपको मैसेज रिसीव होंगे। और एक खास बात ये, जो आप मैसेज रिसीव करेंगे उन्हें आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते, जिसे आपने सेंड किया उसे रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बस आप बस उसकी भेजी हुई बात को पढ़ सकेंगे, किसी और को आप चाहें तो मैसेज सेंड कर सकते हैं अगर उसकी आपके पास सराहा आईडी है। तो जो एक यूज़र है जिसने आपको सेंड किया एक मैसेज, तो वो जो मैसेज है वो आपके सराहा एप्लीकेशन के इनबॉक्स में जाके सेव हो जाता है। उस इनबॉक्स में जाने के बाद उस मैसेज को अगर आप देखेंगे, तो उस मैसेज के नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं, वो पहला ऑप्शन उसमें मिलता है आपको फ्लैग का, यानी आप जो है उस कंटेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो, जो एप्लीकेशन वो जो मैसेज है वो किस टाइप का मैसेज है। दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है, वो मिलता है ब्लॉक का, यानी जिसने आपको मैसेज सेंड किया है उस यूज़र को आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो जो मैसेज है वो आपको सेंड ना करे आगे, तो आप उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है, वो मिलता है फेवरेट का, यानी आप जिस यूज़र से आप रिसीव कर रहे हैं उन मैसेजेस को, उसके मैसेजेस को आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं, ताकि आप आने वाले उनके उसके मैसेजेस को कन्वीनियंटली और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और जो चौथा ऑप्शन है, वो आपको देखने को मिलता है शेयर का, यानी आपने जो रिसीव किया मैसेज उसे शेयर भी कर सकते हैं किसी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि जो मैसेज है वो किसने सेंड किया, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं उस शेयर ऑप्शन से, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप उसे शेयर कीजिए, और पूछिए लोगों से किसने ये जो मैसेज है वो सेंड किया,
उसका मन होगा तो वो बता देगा आपको। तो ये तो बात हो गई सराहा ऐप के वर्किंग के बारे में, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जैसा कि आप लोगों को पता है इस बारे में नहीं है, इस एप्लीकेशन के रिव्यू के बारे में नहीं है। इस ये जो एप्लीकेशन है वो दरअसल आपके प्राइवेट डेटा को लीक करती है। इस बात को बताने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो एक रिपोर्ट सामने आई, तो ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग एक आईटी फर्म है जिसका नाम है बिशप फॉक्स, उसके सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट जिनका नाम है जैकरी जुलियन, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो सराहा ऐप है वो आपके पर्सनल डेटा, जो डेटा है उसमें शामिल है आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, जो आपके डिवाइस के कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स, और आपके पर्सनल जो भी ईमेल एड्रेसेस हैं, जो भी ईमेल्स हैं, उन सभी को वो अपने ही खुद के सर्वर पर अपलोड करता है आपके प्राइवेट डेटा को। यानी आपके प्राइवेट डेटा को वो जो है अपने सर्वर पर सब सेव करके रखता है। ऐसा भी हो सकता है वो आपके पर्सनल डेटा को किसी और कंपनी को या किसी भी हैकर वगैरह को बेच दे, जिससे कि उसे बहुत सारा मुनाफा हो। जितना जितना मुनाफा उसे ऐप को कमाने में नहीं हुआ, उतना वो आपके प्राइवेट डेटा को किसी और को बेचने से कमा सकता है ऑब्वियसली। तो इस बारे में पता किस तरीके से चला, तो ये जो जैकरी जुलियन हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल की, उसे प्रोफाइल भी बनाई उसमें अपनी और इस ऐप को यूज़ किया, तो ऐप को यूज़ करते वक्त दरअसल क्या था, उनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल थी जिसका नाम है बर्प सूट, यानी BURPSUIT। ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में आने और जाने वाले सभी डेटा पर नज़र रखती है, एक उसके में डेटाबेस सेव करती है कि आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में कितना डेटा, कौन सा डेटा आपने डाउनलोड किया और कौन सा कितना डेटा आपकी डिवाइस से दूसरी जगह पे अपलोड किया गया, तो इस बारे में नज़र रखती है। तो जैकरी जुलियन ने जब इस डेटा पर नज़र डाली तो उसमें उनके खुद के कॉन्टैक्ट्स और उनके खुद के ईमेल एड्रेसेस शामिल थे जो कि सर कहीं अपलोड किए गए थे। और जो एप्लीकेशन थी जिसने ये अपलोड किए थे वो थी सराहा। सराहा एप्लीकेशन ने जो है आप उनके खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और उनके पर्सनल ईमेल्स को अपलोड कर दिया था अपने सर्वर पर। तो जब ये प्राइवेसी के डेटा जो है आपका लीक हो रहा था, ये बात सामने आई, तो इस एप्लीकेशन जो सराहा एप्लीकेशन है उनके जो डेवलपर है जिनका नाम है जैन अल अबिदीन तौफीक, उन्होंने ये कहते हुए इस बात को सपोर्ट किया कि ये जो डेटा आपका अपलोड किया जा रहा है हमारे सर्वर, वो बिल्कुल सेफ रहेगा, किसी को नहीं दिया जाएगा, और इस डेटा को इसलिए अपलोड किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जो है इस एप्लीकेशन को जब अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें आपको अपने दोस्तों को, अपने अपने जान पहचान वालों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए आपका जो डेटा है वो अपलोड किया जा रहा है। जो फ्यूचर में अपडेट आपको देखने को मिलेगा सराहा एप्लीकेशन में, उसमें आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, फाइंड योर फ्रेंड्स। तो इन जो ऐप के डेवलपर हैं उनका कहना है कि इसी फीचर को यूज़ करने के लिए जो है आपके सभी डेटा को जो है अपलोड किया जा रहा है। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपका डेटा है, आपको पता होना चाहिए अपलोड किया जा रहा है, आपकी रजामंदी, आपकी परमिशंस के बाद ही इसे अपलोड किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो है बात नहीं बनती है। लेकिन जिस मोटिव से ये बनाया गया था, ऑनेस्टी, वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा एक अच्छा इसके पीछे एक मोटिव था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बराबर मिलेगा आपको एक आइकन, बेल आइकन, जिससे दबाने से होगा ये कि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप जो है वीडियो को देख सकें जल्दी से जल्दी। और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन में नया फीचर ऐड हो जाए इसलिए अपने पर्सनल डेटा को किसी भी सर्वर पर अपलोड होने देंगे। हालांकि आपको बहुत से लोग जो नहीं करते हैं वो ये है कि आपको इंस्टॉल करने से पहले नीचे आपको जो परमिशंस देखने को मिलती हैं, किस किस चीज़ की परमिशन ये एप्लीकेशन मांगेगी, वो कोई ज़रूर देखता नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सराहा ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपको कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स वगैरह के परमिशंस ये अलाउ आपसे आस्क करता है कि आपको जो ई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स उसे ये अलाउ करेगा। आप चाहते हैं इंस्टॉल करना तो करिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेटा को अपलोड करेगा अपने सर्वर, तो आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके ईमेल्स को ये ज़रूर एक्सेस करेगा, तो बिना परमिशन के अपलोड तो नहीं कहेंगे। बस इतना ही, स्टे सेफ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।